नमस्कार दोस्तों, एक सदियों पुराना सवाल जो अक्सर पहेली के तौर पर पूछा जाता है, मुर्गी पहले आई या अंडा। अगर आप मुर्गी कहते हो तो सवाल ये उठता है कि पहली मुर्गी कौन से अंडे से निकली, और अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल उठता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और वैसे अंडों को लेकर शायद सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल तो ये है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। आइए आज के वीडियो में इन्हीं सवालों को आंसर करते हैं। ये वीडियो मेरा थर्ड पार्ट है एवोल्यूशन की सीरीज का। इससे पहले जो दो वीडियोस बनाए हैं मैंने एवोल्यूशन पर, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में जाकर देख सकते हैं। आओ सिखाता हूं मैं आपको अंडे का फंडा। इस अंडे का क्या फंडा है? आज से करीब 150 मिलियन साल पहले की बात है, धरती पर डायनासोर्स का राज था। छोटे डायनासोर्स, बड़े डायनासोर्स, दौड़ने वाले डायनासोर्स, उड़ने वाले डायनासोर्स। यही वो समय था जब एवोल्यूशन के चलते कुछ डायनासोर्स का साइज छोटा होने लगा और बर्ड्स की एवोल्यूशन शुरू हुई। पहली चिड़ियां इसी समय के अराउंड उभर कर आई। और जैसा मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि एवोल्यूशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती, एवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकती है जहां वो फिट बैठे। तो कुछ डायनासोर्स टीरेक्स जैसे और भयंकर डायनासोर्स में इवॉल्व हो गए और कुछ डायनासोर्स छोटे होकर बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। यही कारण है कि बताया जाता है आज के दिन जो मुर्गी है और टीरेक्स डायनासोर जो है, इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। इनफैक्ट टीरेक्स डायनासोर का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव आज के दिन के चिकन्स और ऑस्ट्रिचेस ही है। कभी किसी ऑस्ट्रिच को करीब से देखना, बहुत सारी डायनासोर वाली वाइब्स आती है इसी रीजन से। और सारे डायनासोर्स इन्हीं ऑस्ट्रिचेस और मुर्गियों की तरह अंडे भी दिया करते थे। इनफैक्ट बर्ड्स के इवॉल्व होने से पहले भी डायनासोर्स अंडे ही दिया करते थे। जानवरों में ये अंडे देने की कला बहुत साल पुरानी है। आज से 375 मिलियन ईयर्स पहले टिकटालिक रोजे नाम का जानवर जब समुद्र से जमीन पर आकर रहने लगा, ये भी अंडे दिया करता था। लेकिन इसके द्वारा दिए गए अंडे वैसे नहीं दिखते थे जैसे आज के दिन के मुर्गी के अंडे दिखते हैं। यहाँ पर आप इमेजिन करो, मछलियों के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उनमें कोई बाहर की शेल नहीं होती, कुछ इसी प्रकार के अंडे ये जानवर भी देता होगा। तो अगर हम मुर्गी जैसे अंडों की बात करें जिनमें बाहर एक हार्ड आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, एक शेल देखने को मिलती है, इनका एवोल्यूशन एक्चुअली करीब 300 मिलियन साल पहले हुआ था। और इन अंडों को अब अगर हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी यानी चिकन का एवोल्यूशन सिर्फ 3500 साल पहले हुआ था। सही सुना आपने, करीब 1500 BC के अराउंड साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती करनी शुरू करी चावल और मिलेट की। बहुत सारा अनाज उगाया जाने लगा जिसको देखकर पास के जंगल में रहने वाला एक जानवर बड़ा आकर्षित हुआ। ये जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, मुर्गी से काफी हद तक मिलता जुलता। लेकिन फर्क ये कि ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहता था। जब इंसानों ने खेती करी तो ये इंसानों के खेतों के पास आकर रहने लगा खाने की वजह से, और इसी समय के अराउंड इंसानों ने इसे डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। इस डोमेस्टिकेशन के चलते कुछ हजारों साल बाद इसमें एवोल्यूशन हो गया और ये आज के दिन का चिकन बन गया। ये जंगल फाउल की स्पीशीज अभी भी जिंदा है, तो साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में आप घूमोगे तो ये आपको अभी भी मिल सकती है। लेकिन आम मुर्गी से अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस जरूर देखने को मिलते हैं इसमें। जंगल फाउल की स्पीशीज का साइंटिफिक नाम है गैलिस गैलिस, और एक आम मुर्गी का साइंटिफिक नाम है गैलिस गैलिस डोमेस्टिकस। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती है यहाँ कि अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और मुर्गी 3500 साल पुरानी है। तो अंडे कहीं ज्यादा पहले आए मुर्गी से। लेकिन आप बोलोगे कि वो 300 मिलियन साल पुराने वाले अंडे किसी मुर्गी ने नहीं दिए थे, तो इसलिए अगला सवाल यहाँ पर उठता है कि मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे। आप इस सवाल का जवाब गेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। जवाब पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप एवोल्यूशन की स्टेजेस को समझते हो तो। बात बड़ी सिंपल है, एक चिकन इवॉल्व किया है वाइल्ड रेड जंगल फाउल से। ये वाइल्ड रेड जंगल फाउल किसी और जानवर से इवॉल्व किया होगा, उस जानवर को हम नाम दे देते हैं प्रोटो चिकन, यानी चिकन से पहले का जानवर। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ होगा जब दो प्रोटो चिकन्स ने एक दूसरे के साथ मेट किया होगा, रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली होगी, और इसके चलते एक ऐसा अंडा बना जिसमें पहला ट्रू रेड जंगल फाउल निकला होगा। और आगे चल के ऐसे ही पहली मुर्गी का जन्म भी हुआ हो। दो प्रोटो चिकन के डीएनए के मिलने से पहले ट्रू चिकन का डीएनए बना। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर कर आता है, उसके बाद ही है कि सच्ची मुर्गी ने और अंडे दिए होंगे और उसके बाद और मुर्गियां बनी। तो इस सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है, पहले अंडा आया। और इस अंडे को किसी मुर्गी ने नहीं दिया, बल्कि ऑलमोस्ट मुर्गी जैसी ही मुर्गी की एंसिस्टर स्पीशीज ने दिया। अब कब कोई जानवर की स्पीशीज मुर्गी कहलाई जा सकती है और कब उसे मुर्गी नहीं कहा जाना चाहिए, यहाँ पे एक बड़ा ग्रे एरिया है।
ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है ये इंसानों के द्वारा ड्रॉ करी गई है। असलियत में जो डिफरेंसेस हैं वो धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद आए होंगे। यहाँ फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन क्या होते हैं, जिनकी वजह से एवोल्यूशन एक्चुअली में होता है, इसकी बात मैंने एवोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में करी थी। ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ओवरऑल बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इतिहास में कोई एक दिन था जब पहली मुर्गी पैदा हुई, कि बोलो कि 3 दिसंबर 1500 BC में दो जंगल फाउल ने मिलकर एक अंडा दिया था और उस अंडे में दुनिया की पहली मुर्गी थी। एवोल्यूशन ऐसे नहीं होता, ये प्रोसेस धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज जनरेशन बाय जनरेशन होता है। वीडियो में आगे जब मैं आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा। उससे पहले ये जानते हैं कि क्या अंडा वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन। कुछ लोग कहेंगे इसका जवाब बड़ा ऑब्वियस है, अंडे में जिंदगी होती है, अंडे से बच्चा निकलता है, तो ऑब्वियसली अंडा एक नॉन वेजिटेरियन चीज है। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि अंडे दो तरीके के होते हैं। हैप्लॉयड एग्स वो अंडे जो अनफर्टिलाइज्ड है, जहां सिर्फ फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं, इन अंडों से कभी बच्चा नहीं निकल सकता। दूसरे डाइप्लॉयड एग्स जो मेटिंग करने के बाद निकलते हैं, यहाँ मेल सेल्स फीमेल सेक्स सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं और इनसे बच्चा निकलता है। और इसी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अक्सर हम रिप्रोडक्शन से भी एसोसिएट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे कई प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है और इन केसेस में एक अनफर्टिलाइज्ड अंडा भी एक नई जिंदगी को जन्म दे सकता है, एक नया बच्चा बन सकता है। जिंदगी से वैसे याद आया कि आप जानते हैं दोस्तों इंडिया में हर 5 मिनट एक इंडियन को ब्लड कैंसर या ब्लड डिसऑर्डर से डायग्नोस किया जाता है, और आपका एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एक्शन इन लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। ब्लड कैंसर में होता क्या है कि एक पेशेंट का बोन मैरो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता ढंग से। उन्हें बचने के लिए एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने की जरूरत होती है एक हेल्दी इंसान से, जो कि अपने स्टेम सेल्स डोनेट कर सके। इन स्टेम सेल्स की मदद से ही पेशेंट के अंदर रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स दोबारा से जनरेट हो पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं ऐसे ही स्टेम सेल्स के भी टाइप्स होते हैं, और कोई हेल्दी इंसान ढूंढ पाना जो अपने स्टेम सेल्स डोनेट कर पाए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक परफेक्ट मैच मिलने का 1 in a million चांस है। और शॉकिंग बात यह है कि इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 6 लाख लोगों को अपना HLA टाइपिंग पता है। यहाँ पर एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है DKMS नाम से, जो डोनर्स और पेशेंट्स को यूनाइट करने का काम कर रही है कई सालों से। ये एक बड़ा ही आसान और फ्री प्रोसेस ऑफर करते हैं अपने आप को डोनर के तौर पर रजिस्टर कराने का। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो, अपनी डिटेल्स फिल करो और आपके घर पे एक स्वैब किट आ जाएगी। फिर जैसा किट में लिखा गया है अपने चीक्स के अंदर से बस एक स्वैब निकालो और वापस भेज दो। इनकी लेबोरेटरी में उस सैंपल को एनालाइज किया जाएगा और आपका जो HLA टाइप है वो पता लग पाएगा आपको। और इसकी मदद से अगर देश में कहीं पर किसी को कभी स्टेम सेल डोनेशन की जरूरत पड़े और आपका टाइप उस इंसान से मैच हो जाए तो आप लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। यह हमें देखने को मिलता है प्लांट स्पीशीज जैसे कि पाइनएप्पल और बनाना के जो प्लांट्स होते हैं, और जानवरों में लिजर्ड्स, ज़ीब्रा शार्क्स और रैटल स्नेक्स में हमें ये पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकती है। ये शब्द आता है पार्थेनोस प्लस जेनेसिस शब्दों से, जिसका मतलब होता है वर्जिन प्लस क्रिएशन। वर्जिन क्रिएशन हो रही है, बिना स्पर्म के एक अनफर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या मुर्गियों में पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकती है? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। एक अनफर्टिलाइज्ड मुर्गी का अंडा कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, और ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं दोस्तों वो अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं। आप में से कुछ लोग सोचोगे यार लेकिन कभी कभी जब मैंने अंडा खाया था उसमें खून का एक स्पॉट देखने को मिला था, इसका मतलब वो वाला फर्टिलाइज्ड होगा। उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है। जब एक मुर्गी अंडा देती है तो उसकी ओवरीज के पास कुछ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स कई बार फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो खून का एक दो ड्रॉप वहां से आता है। आप में से जो लोग रेगुलरली अंडे खाते हैं उन्होंने खून के निशान जरूर नोटिस किए होंगे। तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि उन अंडों से कहीं बच्चा ना निकल जाए। हमारे सवाल की बात करें तो अब आप समझ गए होंगे अंडा वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, तो वो वेजिटेरियन है, क्योंकि इन अंडों में ना तो कोई मीट है ना ही इनसे कोई लाइफ जन्म ले सकती है। इन अंडों को दूध से कंपेयर किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी का भी यही कहना था, जो इंसान दूध पीता है उन्हें इन स्टेराइल अनफर्टिलाइज्ड अंडों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सेम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने साल 2004 में भी रिपीट किया था। कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा था कि ऋषिकेश जैसी रिलीजियस जगहों पर अंडों की सेल अलाउ की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अंडा वेजिटेरियन होता है। ओवरऑल अंडा काफी न्यूट्रिशियस फूड है एक्चुअली। इसमें प्रोटीन की काफी ज्यादा मात्रा है, विटामिन B12, B2, B5, विटामिन ए, विटामिन डी, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, ढेर सारे न्यूट्रिशंस भरे हुए हैं।
यही कारण है कि एक समय पर इंडियन सरकार भी एड्स चलाया करती थी लोगों को इनकरेज करने के लिए कि रोज खाओ अंडा। मेल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए ये एक अच्छा सोर्स निकला था खाने का। एक छोटी सी इन्फो बताना चाहूंगा, आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप सब के लिए चैट जीपीटी कोर्स का एक स्पेशल स्टूडेंट वर्जन लॉन्च किया है मैंने, एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर। यानी जो ओरिजिनल कोर्स में स्टूडेंट्स वाला सेक्शन था, उसे सेपरेटली आप अलग से अब खरीद सकते हैं बहुत कम कॉस्ट पर। इसमें ढेरों टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे एज अ स्टूडेंट आप अपनी जिंदगी में AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाई में बेहतर बनने के लिए। सिंपली इस QR कोड को स्कैन करके आप उस लिंक पर जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा। कूपन कोड यूज कीजिए Egg40 और 40% ऑफ पाने के लिए EGG40। अब कुछ अंडे यहाँ ब्राउन होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं, और लोगों को लगता है कि ब्राउन अंडे व्हाइट अंडों के कंपैरिजन में ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड के कंपैरिजन में ज्यादा हेल्दी होती है। लेकिन एक्चुअली में अंडों के केस में ऐसा नहीं होता। ब्राउन और व्हाइट जो कलर डिफरेंस आता है, वो मुर्गी की ब्रीड की वजह से आता है, किस ब्रीड की मुर्गी उस अंडे को दे रही है। और न्यूट्रिशनली ब्राउन और व्हाइट दोनों ही अंडे बहुत बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये जानने वाली है कि आज के दिन मुर्गियां करीब 200 से 300 अंडे देती हैं एक साल में, लेकिन इनके एंसिस्टर्स ये रेड जंगल फाउल सिर्फ 10 से 15 अंडे देते हैं एक साल में। ऐसा कैसे हो गया? एवोल्यूशन की तरफ से कौन सा फोर्स यहाँ पर आया जिसकी वजह से मुर्गियां इस तरीके से इवॉल्व करी कि वो ज्यादा अंडे दे? इसका जवाब है दोस्तों कि यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है। एवोल्यूशन यहाँ हुई है आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से, इंसानों के इंटरफेरेंस की वजह से। इंसानों ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करी मुर्गियों की। हजारों साल पहले किसी एक इंसान ने देखा होगा कि ये वाली मुर्गी ज्यादा अंडे दे रही है, तो सेलेक्टिवली उस मुर्गी को एक ऐसे मुर्गे के साथ ब्रीड किया, उनसे और ज्यादा अंडे पैदा करने वाला बच्चा निकला। फिर अगली जनरेशन में यही किया गया, बार बार ये चीज रिपीट होती रही, आर्टिफिशियल सेलेक्शन होता गया इंसानों की तरफ से, कि आज के दिन ये सिचुएशन आई कि एक मुर्गी 200 से 300 अंडे दे रही है साल में। बहुत से लोगों को इंसानों का ये इंटरवेंशन अननेचुरल लगेगा, लेकिन इंसान यही आर्टिफिशियल सिलेक्शन गाय भैंसों में भी करते हैं। जो गाय ज्यादा दूध देती है उसकी ब्रीडिंग आर्टिफिशियली करवाई जाती है किसानों के द्वारा, या फिर कुछ और हेरिडिटरी ट्रेट्स जो ज्यादा बेनिफिशियल लगते हैं किसानों को, उनकी चुन चुन कर ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि आने वाली पीढ़ियों में वो ज्यादा देखने को मिले। अब ये सुनकर वीगन लोग खड़े होकर बोलेंगे कि देखो बोला था ना मैंने कि ये दूध नहीं पीना चाहिए, ये इंसान हर जगह इंटरफेयर करते रहते हैं, इंसानों ने अपने फायदे के लिए इन जानवरों की ब्रीडिंग कराई है। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि इंसानों ने सिर्फ जानवरों की ब्रीडिंग ही इस तरीके से नहीं करी है, बल्कि पेड़ पौधों की भी ब्रीडिंग करी है आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सारी सब्जियां एक्चुअली में वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट से आई हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हजारों सालों बाद। आज से 7000 साल पहले अगर आप केले के पेड़ से केला तोड़कर खाते तो पहली बात तो आपको छोटा मिलता साइज में, दूसरा जब आप केले को छीलकर खाते तो आपको बीच में केले के बहुत सारी ब्लैक सीड्स देखने को मिलती। इतनी सीड्स होती थी केले के बीच में, उसे खाना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि आज के दिन अनार से कंपेयर कर लो। फोटो में आप देख सकते हो कि ये उस जमाने के केले कैसे दिखते थे। इंसानों ने जब केलों की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करनी शुरू करी तो इन्होंने ऐसे फ्रूट्स को चुना जिनमें कम ये सीड्स देखने को मिल रही थी। बार बार ऐसे चुनने के बाद हजारों सालों बाद ये सीड्स अब खत्म हो चुकी हैं, और हम बड़े बड़े येलो कलर के ये केले खा सकते हैं जिनमें कोई सीड्स नहीं होती। अगर आप सोचकर देखो, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करना शुरुआत में एक बड़ी नेचुरल चीज रही होगी। अगर आपको एक एप्पल का ट्री देखने को मिलता है, उसमें एक ऐसा एप्पल लगा है जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा लाल है और सबसे ज्यादा जूसी है, और आपको मौका मिलता है कि आप दोबारा से एक एप्पल का पेड़ उगाओ अपने गार्डन में, तो ऑब्वियसली आप उसी फ्रूट की सीड्स को चुनोगे नया पेड़ उगाने के लिए जो सबसे ज्यादा जूसी था, बड़ा था और लाल था। दूसरी तरफ कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये पूरी चीज ही अननेचुरल है। इंसानों ने जब से खेती करनी शुरू करी थी, एग्रीकल्चर अपने आप में ही एक अननेचुरल चीज थी। आज से 12000 साल पहले वो समय था जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। उससे पहले इंसान सिर्फ हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में रहते थे, यानी जंगलों में रहना, छोटे जानवरों को मारकर खाना या पेड़ों से फल तोड़कर खाना। यूवल नोआ हरारी अपनी सेपियंस किताब में बताते हैं कि आज से 10000 साल पहले गेहूं जो है वो सिर्फ एक वाइल्ड ग्रास थी जो मिडिल ईस्ट के कुछ रीजन्स में पाई जाती थी, लेकिन कुछ हजारों सालों के अंदर ये गेहूं का जो क्रॉप है इतना स्प्रेड किया दुनिया में कि आज के दिन ये वीट 2.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स धरती के सरफेस को ऑक्यूपाई करती है। होमो इरेक्टस जो इंसानों के पूर्वज रहे थे, इनके बारे में मैंने दूसरे एवोल्यूशन वाले वीडियो में बताया था, ये 20 लाख साल तक बड़े आराम से रह रहे थे बिना खेती की। और जब 8000 BC में वीट का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ तो होमो सेपियंस भी करीब 2 लाख साल से बड़े आराम से रह रहे थे बिना खेती की।
लेकिन इस गेहूं के चक्कर में हमने पेड़ों को काटा, खेती करनी शुरू करी, हमने क्लियर फील्ड्स करी क्योंकि गेहूं को ज्यादा पत्थर कंकड़ पसंद नहीं थे, हमने अलग अलग वीड पौधों को वहां से बाहर निकाल के फेंका क्योंकि गेहूं को वो पसंद नहीं थे, हम बाल्टियां भर भर पानी नदियों से लाए खेती करने के लिए क्योंकि गेहूं को बहुत सारे पानी की जरूरत थी उगने के लिए, हमने कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया क्योंकि गेहूं को कीड़े मकोड़े पसंद नहीं थे, नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स का पहली बार इस्तेमाल किया गया था आज से करीब 4,500 साल पहले सुमेरियंस के द्वारा, जो सल्फर कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते थे कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए खेती के दौरान। युवल नोआ हरारी अपनी किताब में इसलिए कहते हैं कि जब इंसानों ने गेहूं को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया तो एक्चुअली में गेहूं ने इंसानों को डोमेस्टिकेट किया क्योंकि इंसानों ने अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली खेती करने के चक्कर में। अब यहां एक और सवाल उठता है, क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल है, क्या धरती के लिए अच्छा है, नेचर के लिए अच्छा है और क्या नहीं, क्या आपको वेजिटेरियन बनना चाहिए या वीगन बनना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन बनना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है पूरा। तो यहां पर मैं आज के वीडियो को रोकना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप खुद से सोचकर देखो, इस सवाल के बारे में अपनी राय बनाओ उसके बेसिस पर जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है, इससे पहले कि मैं एक नए वीडियो में आपको इसके बारे में समझाऊं। वीडियो पसंद आया, इंसानों के पूर्वजों का इतिहास और होमो सेपियंस की एवोल्यूशन की पूरी कहानी अब आप समझ सकते हैं इस वीडियो में, यहाँ क्लिक करके बड़ी डिटेल में समझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर करना मत भूलना स्टेम सेल डोनर बनने के लिए, कंप्लीटली फ्री प्रोसेस है।